सो हे गाइस, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और लेफ्ट राइट स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि अभी आप लोगों ने वीडियो को प्रीव्यू में देख लिया है। ये सावन के ऊपर सॉन्ग है, इसी के ऊपर मैं आपको एक लेफ्ट राइट स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जितने भी मटेरियल का यूज करूंगा सभी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग के पास BN एप्लीकेशन नहीं है तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका स्टेटस वीडियो एडिटिंग मैं आपको BN एप्लीकेशन से ही बताऊंगा। चलिए जान अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो यार, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग अपना BN एप्लीकेशन यहां से ओपन कर लेना। तो इसको मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर आ जाएगा। अब आपको प्लस वाले आइकन पर यहां पर क्लिक करना पड़ेगा एंड इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपकी यहां से गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहां पर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहां पर आप लोग को 8 फोटो ऐड कर लेना है। मतलब आप अपना फोटो ऐड कर सकते हो या फिर किसी और का भी फोटो ऐड कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह की फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको ये फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अपनी गैलरी से यहां से 8 फोटो को आप लोग ऐड कर लेना। मैं यहां से ऐड कर ले रहा हूं। फोटो ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे साइड में नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। आपका ये फोटो BN ऐप के अंदर आ जाएगा। अब आपको ऊपर साइड में ओरिजिनल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ पर साइज को आप लोग 9x16 कर लेना। देन इतना हो जाने के बाद अब आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, देन वीडियो के लास्ट में आ जाना है। गाइज, लास्ट में आओगे तो यहाँ पर आप लोग को एक वाटर मार्क दिखेगा। इस वाटर मार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोग डिलीट कर देना। वाटरमार्क डिलीट करने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है एंड यहाँ पर आप लोग को सॉन्ग को ऐड कर लेना है। जो सॉन्ग आप लोगों ने प्रीव्यू में सुना था उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। मतलब लिरिक्स मिलेगा वो आप लोग डाउनलोड कर लेना और यहाँ से इसका आइडियो बना लेना। तो आइडियो बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड इसके बाद म्यूजिक के ऑप्शन पर दोबारा से जाना एंड यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन पर जाना एंड आपका जहाँ कहीं भी सॉन्ग हो, वीडियो सॉन्ग, उसको आप लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना एंड इसका आइडियो यहाँ से ऐड कर लेना। मैं पहले से ही ऐड कर लिया हूँ, निकाल लिया हूं। यहां पर मैं क्लिक करता हूं एंड यहां पर यूज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। अब गाइस, यहां पर आने के बाद आप लोग को इसमें बीट मार्क ऐड करना पड़ेगा। तो बीट मार्क ऐड करने के लिए यहां पर बीट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना एंड टोटल इसमें आप लोग को 7 बीट मार्क ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो मैं पहले से यहां पर मैं बीट मार्क ऐड कर दिया हूं। आपको कहां कहां पर ऐड करना है ऊपर साइड में मैं नंबर दे दिया हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाला जो बीट मार्क मैं ऐड किया हूं यहां पर ऐड किया हूं एंड यहां पर फ्लैग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे एंड नंबर को फॉलो करके यहां पर आप लोग बीट मार्क ऐड कर लेना। तो यहां पर मैं टोटल 7 बीट मार्क ऐड किया हूं, आप लोग भी 7 बीट मार्क ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद यहां पर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। दोबारा से राइट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका आइडियो सॉन्ग आपका BN ऐप के अंदर आ जाएगा। अब गाइस, इतना हो जाने के बाद अब आपको यहां पर फोटो एंड वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहां पर आप अपनी फर्स्ट वाली फोटो पर क्लिक करना एंड यहां पर इसको क्रॉप कर लेना फर्स्ट बीट मार्क तक। मतलब जहां पर आपका फर्स्ट बीट मार्क है यहां पर टाइमलाइन को लेके आना एंड फोटो को पकड़ना, कुछ इस तरीके से आप लोग फोटो को क्रॉप कर लेना। जितना फोटो आपने ऐड किया है, आपने 8 फोटो यहां पर ऐड किया है, सभी फोटो को आप लोगों को क्या करना है, बीट मार्क के बराबर टाइमलाइन को लेके आना है एंड फोटो को पकड़ के आप लोगों को कुछ इस प्रकार से फोटो को क्रॉप कर देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो गाइस, इसी तरह आप लोग फोटो को क्रॉप कर लेना बीट मार्क के बराबर। मैं एक एक करके आपको बताता रहूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं क्रॉप करके आपसे मिलता हूं, आप लोग यहां से क्रॉप कर लेना। तो गाइस, देख सकते हो मैं हर एक बीट मार्क के बराबर फोटो को क्रॉप कर लिया हूं, आप लोग भी इसी तरह फोटो को क्रॉप कर लेना। देन इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है। गाइस, फर्स्ट में आने के बाद अब आपको अपनी हर एक फोटो में लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड करना है। तो यहां पर फर्स्ट वाली फोटो में आ जाना एंड क्लिक करना फोटो पर एंड कुछ इस तरीके से पहले आप फोटो को जूम कर लेना। जूम करके यहां पर फोटो को आप लोग एक साइड में स्क्रॉल कर देना कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद गाइस, अब आपको लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड करना है। तो यहां पर की फ्रेम का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना एंड क्लिक करने बाद टाइमलाइन को थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार से एंड फोटो को पकड़ना एंड एक साइड में आप लोग फोटो को स्क्रॉल कर देना कुछ इस प्रकार से। इतना स्क्रॉल हो जाने के बाद टाइमलाइन को थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल कर देना, मतलब कुछ इस प्रकार से आगे लेके आना टाइमलाइन को एंड फोटो को पकड़ के अपने फिंगर से एक साइड में फोटो को स्क्रॉल कर देना एंड अब आपको टाइमलाइन को फोटो को एकदम एंड में लेके आना है। फर्स्ट वाली फोटो को एकदम एंड में लेके आना टाइमलाइन को एंड फोटो को पकड़ के अपने फिंगर से एक साइड में स्क्रॉल कर देना कुछ इस प्रकार से। अब आप देखोगे तो आपका फर्स्ट वाली फोटो में एनिमेशन ऐड हो गया है
लेफ्ट राइट वाला आप लोग भी इसी तरह ऐड कर लेना। अब आपको दूसरे वाली फोटो में भी इसी तरह करना है, यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है एंड फोटो को आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ से आप लोग जूम कर लेना, जूम करके फोटो को आप लोग एक साइड में स्क्रॉल कर देना एंड यहाँ पर फोटो के एकदम फर्स्ट में लेकर आना टाइमलाइन को एंड यहाँ पर की फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार से एंड यहाँ पर फोटो को पकड़ के अपने फिंगर से एक साइड में फोटो को स्क्रॉल कर देना कुछ इस प्रकार से एंड अब आपको टाइमलाइन को थोड़ा सा और आगे लेके आना एंड अब आपको फोटो को अपने फिंगर से पकड़ के एक साइड में फोटो को कर देना है। अब गाइस आप लोग को टाइमलाइन को एकदम एंड में लेके आना है फोटो के, सेकंड फोटो को एकदम एंड में लेके आना है एंड यहाँ पर एंड में ले आने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, फोटो को पकड़ के अपने फिंगर से कुछ इस प्रकार से आप लोग एक साइड में कर देना फोटो को। गाइस अब आप देखोगे तो आपकी फोटो में बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड हो गया है। अब आप लोग इसी तरह अपने 8 फोटो में ऐड कर लेना, मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैं लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ, आप लोग भी इसी तरह ऐड कर लेना। सो गाइस देख सकते हो मैं हर एक फोटो में यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन कुछ इस प्रकार से ऐड कर लिया हूँ, आप लोग भी यहाँ से ऐड कर लेना इस प्रकार से। ऐड हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना, फर्स्ट में आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक व्हाइट शैडो फोटो को ऐड करना पड़ेगा, लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना एंड अब आपको यहाँ पर ऐड करना है तो प्लस वाले आइकन पर जाना एंड वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पर जाना, आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी एंड आप अपनी गैलरी से यहाँ पर इस वाले व्हाइट शैडो फोटो को आप लोग ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद आपका VNF के अंदर आ जाएगा, नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन आपको फील का दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आपको ब्लेंडिंग का दिखेगा तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ पर इसको आप लोग स्क्रीन करके राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जो व्हाइट शैडो का लेंथ होगा इसका फुल वीडियो में नहीं लगा होगा तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना एंड वीडियो एंड कर देना, आपका फुल वीडियो में यहाँ पर लग जाएगा। अब गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक व्हाइट बॉर्डर PNG को ऐड करना है, इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद ऐड करना है तो प्लस वाले आइकन पर जाना, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पर जाना, यहां पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी एंड इस वाले बॉर्डर PNG को आप लोग ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद यहां पर नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन फील का दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना, इसको फुल स्क्रीन में कर लेना। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन आपको क्रोमा का दिखेगा तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहां पर इस प्लस वाले आइकन को पकड़ के आप लोग कुछ इस प्रकार से घुमा देना एंड राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका व्हाइट बॉर्डर भी यहां से लग जाएगा, जो इसका लेंथ होगा फुल वीडियो में नहीं लगा होगा तो यहां पर क्लिक कर देना एंड इसको वीडियो एंड कर देना, आपका फुल वीडियो में लग जाएगा। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है एंड यहां पर आप लोग को एक इफेक्ट वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोगों को डाउनलोड करना है एंड यहां पर उसको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना, आपकी गैलरी यहां से ओपन हो जाएगी, वीडियो के ऑप्शन पर जाकर यहां से इस वाले इफेक्ट वीडियो को आप लोग ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद यहां पर नीचे साइड में बहुत सारा टूल दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, यहां पर फील का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना एंड यहां पर नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देना, ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहां से इसको स्क्रीन करके राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपका इफेक्ट वीडियो यहां से बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। अब आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है एंड गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। बट लिरिक्स वीडियो को ऐड करने से पहले यहाँ पर जो आइडियो सॉन्ग आपने ऐड कर लिया है इसको आप लोग को यहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके पहले आइडियो सॉन्ग को आप लोग डिलीट कर देना, अब इसका हमें कोई काम नहीं है, अब लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। तो लिरिक्स वीडियो को पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके बाद ऐड करना है तो प्लस वाले आइकन पर जाइए, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पर जाइए, यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आप अपनी गैलरी से इस वाले लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना। देन गाइस ऐड हो जाने के बाद यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर लेना कुछ इस प्रकार से, आप लोग इसको बड़ा कर लेना, देन बड़ा करके यहां पर आप लोग नीचे साइड में लेके आना एंड यहां पर इसको ऐड कर देना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आपको यहां पर दिखेगा ब्लेंडिंग का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहां पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका जो लिरिक्स वीडियो था बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा, यहां से आप लोग छोटा बड़ा करके आप लोग यहां पर आप लोग इफेक्ट के बराबर व्हाइट इफेक्ट शैडो के बराबर आप लोग इसको ऐड कर देना। देन गाइस इतना हो जाने के बाद आपका कंप्लीट वीडियो बन के रेडी हो जाता है, जिस तरह का वीडियो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था। तो यहां से मैं एक बार वीडियो को प्ले करके आप लोग को और दिखा देता हूं। सो गाइस देख सकते हो कंप्लीट हमारा वीडियो बन के रेडी हो गया है। अब इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है तो यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद यहाँ पर 1080 करके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इस वाले वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना। देन वहाँ से किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर देना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर एंड बाय बाय।